हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेनवाला क्रिएटिविटी। और आज मैं एक सुंदर सी लटकन बताने जा रही हूँ और ब्लाउज में कैसे लगता है वो दिखा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्लीवलेस ब्लाउज सिला, हुक काज भी कर दी हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये चार पार्ट में मैंने कपड़े को लिया है। 5 इंच लंबी और 5 इंच चौड़ी ये कपड़े मैंने ली है। ब्लाउज पीस की ही बची हुई है और साड़ी की ही है, तो चारों तरफ से बढ़िया से बराबर कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसे सेंटर में बराबर से करते हुए देखिए गोलाई काट लेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। और चारों को एक बार ही गोल कटिंग कर देंगे। इस तरह से गोल कटिंग अच्छे से हो जाती है फ्रेंड। अब दो पार्ट को हम चारों किनारे सिलाई चला देंगे गोलाई में, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो। और दूसरी वाले पार्ट को भी उसी तरह दो दो करके हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ये अच्छे से सिलाई लग गई फ्रेंड्स। और इसके बाद हम इसे बीच का सेंटर लगा के एक निशान लगा देंगे और एक पार्ट को ही कट करेंगे। एक तरफ के कपड़े को नहीं कट करना है, पीछे तरफ के। और उसे पलट देंगे अच्छे से। अगर हम अच्छे से फिंगर से नहीं पलट सकते हैं तो एक पेन की मदद लेंगे और पेन की मदद से अच्छे से इसको गोलाई में शेप दे देंगे, ताकि ये अच्छे से गोल हो जाए। और इसके गोलाई में भी हम सिलाई चलाएंगे अच्छे से, सिलाई चला देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। हम चाहें तो इसमें लैस भी लगा सकते हैं, पतली वाली लैस जो होती है वो और भी खूबसूरती को बढ़ा देगी लटकन के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पतली वाली लैस अगर लगा दूंगी तो और भी खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब इसे सेंटर से चौखट मोड़ देंगे और एक बीच में कट कर देंगे। और इस कट में हम डोरी डाल के और इस तरह से, जैसा कि वीडियो में निशान लगा रही हूँ, हम निशान लगाएंगे और अच्छे से सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, निशान लगा दी मैंने, और ताकि डोरी को अच्छे से पकड़ के रखे। और बढ़िया से मुंह को बांध देंगे हम अच्छे से, ताकि सिलाई खुले ना। दोनों साइड में जब लास्ट होता है और जब शुरू करते हैं तो अच्छे से मुंह को बांधना होता है, नहीं तो ये सिलाई खुलने का डर रहता है। और फिर इसी तरह सेंटर से लेते हुए दूसरी साइड भी हम इस तरह से निशान लगा कर और सिलाई लगा देंगे अच्छे से। ये सिलाई हमारी लग गई और डोरी को भी मजबूती मिल गई है इस तरह से डबल डबल करके। फिर हम देखिए आगे, ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका, फ्लावर की तरह शेप आ गया। ये बहुत खूबसूरत लटकन बनता है। अब हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा धागा है वो भी कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर एक जो लैस बची हुई थी कमर के साइड से निकली थी, उसे हम कपड़े से अलग कर देंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक में जो लैस लगी थी वही लैस बची हुई है, उसका मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। इसको बीच से बराबर दो भागों में बांट देंगे, कटिंग कर देंगे। और उसके बाद देखिए डोरी में इसको ऐड कैसे करना है, उल्टे साइड से करना है ऐड, ताकि ये पलट के जब हो तो सीधे हो जाए। और हमें डोरी और इसमें खिंचाव को ध्यान में रखना है, एक उंगली का दूरी पर रखना है। देखिए निशान लगा देंगे ताकि इधर उधर ना हो, और निशान पर ही हम सिलाई चला देंगे और डबल सिलाई चला देंगे ताकि मजबूती रहे, अच्छे रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर से कर दें। और मेरा चैनल अभी छोटा है तो आप सभी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाती रहूँगी आगे भी। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी डबल सिलाई हो गई और ये पलट दूँगी
तब ये और भी खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए, ये लेस के टुकड़े का यूज़ भी हो गया यहाँ पर, और ये दोनों लटकन तैयार हो गई। अब मैं इसे ऐड करने बताने जा रही हूँ कि ब्लाउज में कहाँ और कैसे ऐड करेंगे अच्छे से। इसका नियम जो है, देखिए, चार अंगुल की, तीन अंगुल, कोई चार अंगुल पे लेता है, कोई तीन अंगुल पे। मैं तीन अंगुल पे ले रही हूँ, पत्ती दुबली है तो तीन अंगुल पे लें, और अगर थोड़ी मोटी है तो चार अंगुल पे लें फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर डोरी को किस तरह से ऐड कर रही हूँ घुमा के, ताकि मजबूती से डोरी पकड़ी रहे कपड़े में। कभी कभी डोरी निकल आती है, तो डबल सिलाई हमें इसमें चलाना होता है। और ये डोरी मैंने रेडीमेड ली है, मार्केट में मिल जाती है गोल्डन कलर की डोरी, हर रंग के अच्छे अच्छे डिजाइन की भी डोरी आती है। ऐसे हम डोरी बना भी सकते हैं कपड़े से। और इसी से कंधे से नापते हुए हम दूसरी तरफ भी इसी तरह डोरी को ऐड कर लेंगे, जैसा कि पहली डोरी को हमने ऐड किया। और फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी डोरी भी ऐड हो गई, और कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी लटकन। इस ब्लाउज में चार चांद लगा रही है ये लटकन, और हमें मार्केट से ख़रीदना भी नहीं पड़ा। तो आशा है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।